हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बताएंगे आपको कैप्सिकम टमाटो पुलाव बनाने का तरीका। ये एक सादे मसालों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव बनेगा। एक देसी स्टाइल है, देसी तरीके से मैंने बताया है। कुछ अगर नया सीखना चाहते हैं आप तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगा आपको सादे मसालों के साथ ये पुलाव कैसे बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये शानदार पुलाव बनाने के लिए कुछ पेस्ट बनाना है, तो उसके लिए हम 10-12 कलियां लहसुन की और थोड़ा सा अदरक हमने इसमें ऐड किया है। आप ध्यान से देखें, ध्यान से नोट करें। इसके अंदर हरी मिर्च ऐड करेंगे 10 से 11 स्वाद अनुसार। आप नमक मिर्च अपने स्वाद अनुसार रखें। और इसके अंदर हम साबुत धनिया ऐड करेंगे 2 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच और जीरा 1 चम्मच ऐड करेंगे। इसके अंदर हम थोड़ी सी काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 3-4 लौंग और 1 जावित्री का टुकड़ा ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इतने इसका पेस्ट बने चलते हम दूसरा बर्तन अपना चढ़ा लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर हम 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे रिफाइंड का। आप चाहे तो सरसों का तेल या घी भी यूज कर सकते हैं। इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 स्टार फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज पत्ता ऐड करेंगे। थोड़ा सा गर्म होने देंगे। सिंपल रेसिपी है, आप लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको। इसमें मीडियम साइज की 1 प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें अच्छे से मिलाना है, अच्छे से इसको फ्राई करना है जब तक इसका कच्चापन खत्म हो जाए और इस पर हल्का गोल्डन कलर आ जाए। तो इसे मिला के मैं फ्राई होने देता हूँ, आपको फ्राई करके दिखाता हूँ। पहले मैं ये देखिए इस पर कितना हल्का कलर आ चुका है, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इतनी हमें चाहिए ये। एक बार इसे मिला लेते हैं, थोड़ा सा ब्राउन और कर लेते हैं। ये देख लीजिए आप, अच्छे से देखिए इसको। इसके अंदर हम जो हमने पेस्ट बनाया है हरी मिर्चों का, उसको ऐड कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अगर आप इस तरीके से पेस्ट बना के यूज करते हो। और 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे इसमें और इसे मिलाएंगे, अच्छे से मिलाएंगे इसको, अच्छे से मिलाते रहेंगे और इसको भूनते रहेंगे 1-1.5 मिनट तक। अच्छे से मिला के भुना। इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। मीडियम साइज के 2 टमाटर लिए थे मैंने, जिसको इस तरीके से काटा है, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। और 2 शिमला मिर्च ली थी, उसको भी हमने इस तरीके से काट के ऐड किया है। इसको मिलाएंगे अच्छे से। घर में कोई भी सब्जी अगर आपकी पड़ी हो, थोड़ी थोड़ी आप सभी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर शिमला मिर्च और टमाटर का कच्चापन हमें खत्म करना है, थोड़ा थोड़ा इसे पकाना है। तो पहले से अच्छे से मिला लेते हैं और मिला के इसको हम ढक के कुक करेंगे लगभग 5 मिनट के लिए। ये 5 मिनट मैंने इसे ढक के कुक किया है, इसका अच्छा से कच्चापन खत्म हो चुका होगा। अब देखिए, ये देखिए आप, तो इसको एक बार हम जितना हमें तैयार करना है उतना हो चुका है। ये एक बार इसे चला लेते हैं। कई बार क्या होता है, तले पे लग जाता है, आपका बर्तन हल्का है, भारी है नीचे तले पे से, तो जल जाता है। तो मिला ले। इसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। ये बासमती कच्चा चावल है, इसको मैंने पानी भिगो कर रखा था लगभग 15 मिनट। और ये 300 ग्राम चावल है, इसको मिलाएंगे। मिला के इसको भी भुनेंगे इसके साथ 1 मिनट लगभग, जिससे फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। आप जोन सा भी चावल यूज करते हैं, पानी अपने उस चावल के हिसाब से यूज करें। मैंने जो चावल यूज करा है उसके हिसाब से मैंने डबल पानी डाला है इसके अंदर। इसे हल्के हाथों से मिलाएंगे और इसको हम 6 से 7 मिनट तेज आंच पे, फिर गैस बंद करके 5 मिनट धीमी आंच पे, और फिर 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए 5 मिनट मैंने इसको, 5 से 6 मिनट इसको तेज आंच पे, फिर 5-6 मिनट इसको धीमी आंच पे, और फिर गैस बंद कर दिया। उसके 5-6 मिनट बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप ये देखिए, चावल आपको शायद दिख नहीं रहा है वीडियो में अच्छे से, चावल बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन के आया है एकदम। ये देखिए खिला खिला चावल बन के आया है। फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे से दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए ये कैप्सिकम पुलाव देसी स्टाइल में जो हमने बनाया है ये कितना बेहतरीन बनता है। आपको पता है कि हमारे घरों में, आम घरों में इतनी तरह की रेसिपी बनती है और इतनी इतनी स्वादिष्ट बनती है कि आप अचानक में पड़ जाइए, यार ये कभी इसका नाम नहीं सुना, और मैं इसके घर पे गया और मैंने खाई और अलग ही लेवल था। ये देखिए आप, इतना शानदार पुलाव बन के आया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव बनता है आप इस तरीके से अगर बनाते हैं। और बिल्कुल सिंपल है ये पुलाव बनाना। ये देखिए आप, अच्छे से देखिए। और बिल्कुल सादे मसालों के साथ, कोई भी मसाला मैंने इसमें एक्स्ट्रा यूज नहीं करा, जो लोकल हमारे किचन में मिल जाता है, सभी मसाले हमारे किचन में होते हैं ये।
ये हमारे देसी मसाले हैं और ये ही क्या बोलते हैं यूज होते हैं हमारे सारे घरों की रेसिपी पे। आप ये देखिए कितना शानदार पुलाव बना है ये। तो आप एक बार इसको तरीके को ट्राई जरूर करें और इस शानदार पुलाव को बना के देखें एक बार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो आपको समझ में आए जैसे आपको वीडियो लगी, और अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट में आपको हमें। और फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।